तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेरी आर्ट जर्नी जीरो से लगभग 10 तक। अभी तो इतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है। तो ये है मेरी सबसे पहली बुक। ये मेरी 6th स्टैंडर्ड की ड्राइंग बुक है। इसमें कुछ मेरे अच्छे और गंदे सारे आर्ट वर्क्स हैं। तो आप ये देखो, ये कितना गंदा है। फिर ये, फिर ये सब तो खैर स्कूल में करवाए थे, लेकिन मैं आपको अब मैं अपने अच्छे अच्छे आर्ट वर्क दिखाता हूँ। ये हमें एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमें वॉल पेंटिंग्स बना दी थी हिस्ट्री में। तो ये मैंने खुद से बनाया था स्केच पेन से। ये मेरे को अभी भी पसंद है, एकदम आदिवासी आदमी टाइप बनाया था। और ये भी एक है, ये मैं स्केचिंग सीख रहा था उस समय का है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, इसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और एक और बहुत अच्छा भी है मेरे पास। और ये मैंने पहली बार 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए थे वही स्केचिंग टेक्निक से। तो कुछ ये ऐसा दिख रहा है। और फिर ये एक है, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, नहीं तो ये भी बहुत सुंदर दिखता। और फिर ये तब तो घर पे किया था, वो भी फालतू हो गया। और ये है मेरी कुछ शानदार पेंटिंग्स, मुझे लगता है शानदार है। आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर आप लोग इस वीडियो में 10 लाइक्स कर देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा। तो ये है एक सनसेट पेंटिंग विथ सॉफ्ट पेस्टल। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मैं अपने आर्ट सप्लाइज दिखाऊंगा। तो ये सॉफ्ट पेस्टल से बनाई है। अगर आप लोग को जानना है कि सॉफ्ट पेस्टल क्या है तो इस वीडियो पे 10 लाइक कर दो, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। और ये लास्ट ईयर के मदर्स डे पर मैंने बनाई थी। इसमें सब गंदा ही है, ये उतना खास अच्छा नहीं बना है, इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। और एक ये है, ये मैंने हिरन बनाया था। पीछे का सब कुछ अच्छा है, ये भी सॉफ्ट पेस्टल से ही किया मैंने। और वो जो मैंने दिखाया था मदर्स डे वाला, वो मैंने ऑयल पेस्टल से किया था। तो ये तो ठीक है, पीछे का इसमें बहुत सही बना है, बस इसमें हिरन खराब हो गया, बाकी सब तो ठीक था। और एक है अभी मेरे पास, बहुत है अभी तो, बहुत है, ये तो स्टार्ट है। ये मैंने पहली बार वाटर कलर्स जो आते हैं ना ट्यूब्स वाले, उसको ट्राई किया था। ये उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ट्राई था तो ठीक ही है। और फिर उसके बाद ये मेरा सेकेंड ट्राई, ये तो बहुत ही बकवास है, ये सब तो फालतू हो गए थे गलती से। अब हम लोग बढ़ते अपने, ये मेरा फर्स्ट सॉफ्ट पेस्टल था, वो जो दिखाया मैंने वो बाद के थे, ये मेरा फर्स्ट सॉफ्ट पेस्टल था एवर। तो ये वो है। और वो देखो, मेरे डॉगी को चैन नहीं है, वो अभी आ गया मेरे सामने, ये भी वीडियो में आना चाहता है। टफी, वो वीडियो में आना है, इधर ही लेट जाओ। ये देखो लेट गया, हटो, खाना नहीं है मेरे बुक्स को। ठीक है, तो मैं इसको हटा के आता हूँ, 2 मिनट। हाँ, तो गाइस वो मैंने अपने डॉगी को हटा दिया, वो ड्राइंग बुक्स खा रहा था। और ये है मेरे फर्स्ट एवर बेस्ट, ये है हमारा पोस्टर कलर से मैंने ये ड्राइंग किया था। ये मेरे को अभी भी याद है, मेरी मैंने जब से अच्छे से ड्राइंग स्टार्ट किया था तो ये मेरी फर्स्ट अच्छी ड्राइंग थी। इसको तो मैं हमेशा संभाल के रखूँगा। ये तो क्या ड्राइंग क्लास में ही सर ने करवाया था स्कूल में, ये वही है। बाकी एक और एक है, वो इतनी खास है नहीं, उसमें बस बीच में थोड़ी गलती हो गई है। ये भी एक है, इसमें ये ज़्यादा ब्लू हो गया, इसको थोड़ा लाइट और डार्क ब्लू रखना था, तो ये थोड़ा अलग है, अलग लग रहा है, लेकिन ये भी अच्छा था, अच्छा है। ये सब मैंने बनाई है अपनी 6th स्टैंडर्ड की समर हॉलीडेज में। तो ये तो उसका सम पार्ट है, अभी सम पार्ट और आना है। और ये है मेरी सबसे बेस्ट ड्राइंग बुक। तो मैं इसका भी खोल खोल के एक एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली जो जो पेंटिंग्स है, पहले मैं वो निकाल लेता हूँ जो अलग से मैंने डाली है, और जो इसमें हैं इंसर्टेड पहले से, उनको तो बाद में दिखाऊंगा। बस इतनी पेंटिंग्स मैंने इसमें अलग से डाली थी, मतलब डाली क्या थी, मतलब इसी के पेज से बनाई थी, लेकिन काट के बनाई रही थी, मतलब इससे फाड़ के बनाई थी। तो ये है एक और पोस्टर कलर की पेंटिंग, ये एक लड़का वो उड़ा रहा है पतंग। ये थोड़ी इतनी एवरेज सी है, लेकिन ये मैंने एक आर्टिस्ट, मशहूर आर्टिस्ट से इंस्पायर होके बनाया था, आदित्य, और नहीं कुछ तो नाम है उसका।
और ये भी मैंने फादर्स डे के लिए बनाया था, ये बैकग्राउंड ही किया है मैंने अभी तक। इसमें एक्चुअली मैं दो ऑब्जेक्ट बनाने वाला था, एक बेटा और एक पापा, तो अभी वो बनाए नहीं है, बस बैकग्राउंड किया है। ये भी सॉफ्ट पेस्टल का ही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने वाटर कलर का बेस्ट ड्राइंग, मेरे को बेस्ट लगता है, आप लोगों को कैसा लगे। ये मेरे वाटर कलर्स का बेस्ट ड्राइंग है, थोड़ा क्लोज लुक ले लो आप लोग। मेरे वाटर कलर का बेस्ट ड्राइंग है मेरे हिसाब से। और ये मेरे ऑयल पेस्टल का बेस्ट ड्राइंग है। इसको आप लोग ऊपर से मत देखो, ऊपर मैंने ऐसे ही फालतूगिरी की है, नीचे लेकिन मैंने अच्छा किया है। नीचे एक्चुअली मैंने ऑयल पेस्टल से किया, ये सॉफ्ट पेस्टल से नहीं किया है। ओके ठीक है, तो अब आ जाती है हमारी कुछ स्केचेस। तो ये एक नारुतो बनाया था मैंने बहुत पहले, ये भी लास्ट समर वेकेशन का है। और ये भी पेनीवाइज बना था, वो भी लास्ट समर वेकेशन का है। आप लोग कमेंट करना आप लोग को सबसे बेस्ट ड्राइंग कौन सी लगी। और अब आते हैं हमारे कुछ अति सुंदर पेंटिंग्स की तरफ। तो इसमें एक्चुअली एक्रेलिक कलर मैंने यूज़ किया था, तो वो थोड़ा उखड़ गया है, लेकिन नहीं तो ये बहुत सही था। त्रिशूल थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा है। और ये है शंकर जी बनाया मैंने, और पीछे का बैकग्राउंड मैंने किया है ऑयल पेस्टल से। मेरे को तो मेरे ख्याल से मेरी पेंटिंग अच्छी है, ड्राइंग इतनी खास अच्छी नहीं है। और ये भी एक सॉफ्ट पेस्टल से किया है, बस इस पर मैंने गलती से पानी गिर गया था तो ये थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन ये एक क्रिसमस ट्री है और इधर स्नो हो रही है, वैसा कुछ है। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, मैं आ रहा हूँ ना, ड्राइंग पता चला। और ये है हमारा एक गोकू, ये एक एनिमे का है, ड्रैगन बॉल जी का है। मैंने इसको गोकू बनाया, और मैंने वेजिटा भी बनाया, वो भी आपको आगे वीडियो में दिखने वाला है। और ये मैंने अच्छे अच्छे ड्राइंग्स किए थे, रियलिस्टिक होठ और आँख, लेकिन वो पीछे मैंने पेंटिंग किया उसके कारण ख़राब हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, उस थोड़ा थोड़ा से आप लोग देख लेना। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये दोनों मम्मी ने ड्रॉ मम्मी ने किए, पेंट मैंने किया ब्रश पेन से। तो ब्रश पेन भी है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में सब दिखाऊंगा, यूज़ करके भी, फील करके भी सब। हाँ, और ये मेरी एक काइंड ऑफ बेस्ट सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग है, और ये शायद सेकेंड है, ये सेकेंड है। ओके, इस पर मैंने एक्चुअली वो एक स्प्रे होता है जिससे सॉफ्ट पेस्टल, अगर आप ये देखो ये जो है ना, इस पर अगर आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ पे कलर लग जाएगा। वो एक स्प्रे होता है जिसको आप अगर अप्लाई करते हो तो वो कलर नहीं आता आपके हाथ पे। मैंने वही स्प्रे घर पे बनाने की कोशिश की, और वही मैंने इस पर और एक और जो बता रहा था जिस पर पानी गिराया था उस पर भी ट्राई किया था, तो उसके कारण ये थोड़ा डल हो गया, लेकिन ये अच्छा बना था। इन ऑल ओके, ये भी सॉफ्ट पेस्टल है, मैंने सॉफ्ट पेस्टल बहुत यूज़ किया है। और ये भी एक सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग है, बस इसमें लड़की बहुत मोटी हो गई है, इग्नोर दिस। वो मेरे से ना एक्चुअली ब्रश से अच्छा बनता नहीं है, बाकी सब तो ठीक था। अब लोग आते अपने नेक्स्ट ड्राइंग पे, ये भी एक अच्छा सीनरी हो सकता है। ये एक है, ये भी वो वाटर कलर केक्स आते हैं ना, वो मेरे पास 5 साल पुराना बचपन का पड़ा था, मैंने उससे ट्राई किया था, तो ये तो खैर उतना खास अच्छा हुआ नहीं। ये भी वाटर कलर से किया है, ये भी कुछ खास अच्छा हुआ नहीं है। ये एक हुआ है, ये मैंने वाटर कलर और ब्रश पेन दोनों को मिला के किया है, ये थोड़ा सेम है। ये भी बहुत अच्छा बना है मेरे ख्याल से। आप लोग का क्या ख्याल है वो तो लिखना ही ज़रूर आप लोग। और ये मेरे ख्याल से मेरी वाटर कलर की बेस्ट हो सकती है, ये थोड़ी अलग सी लग रही होगी लेकिन ठीक ही है, मेरे को तो ठीक लगी ये पेंटिंग। और ये लास्ट है, अरेबिक कुत्थू डांस करके एक था ना, हलमिती हबीबो करके गाना है, लास्ट ईयर बहुत फेमस हुआ था, उसका हीरो है ना, मैंने उसकी स्केच ट्राई की थी। इसको मैंने आधे पे ही रोक दिया, और बहुत छोटा बनाया था तो मैंने रोक दिया, इसको कंटिन्यू नहीं किया। और तो हमारी ये वाली नोटबुक ख़त्म हो गई है, तो नेक्स्ट नोटबुक पे जाते हैं। उसके बाद मेरा कौन सा गया था, मैं बड़े वाले आपको बाद में दिखाऊंगा, उसके बाद मैं छोटा वाला दिखाता हूँ जो मैंने किया है। क्या ये मेरी है? हाँ ये मेरी है। तो ये मेरी रिसेंट है, ये मैंने अभी जस्ट बनाए हैं, कुछ एक दो महीने पुराने। ये एक फालतू में एक बुक ली थी मैंने, उसके कवर पेज पे बना था ये, इसको तो इग्नोर करो वो तो गंदा बन गया। और ये है विराट कोहली का, मैंने ऐसे स्केच ट्राई किया था। और ये है डोनाल्ड डक, ये शायद मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया भी है स्कूल ले जाके। और ये डिज्नी की एक थी इंचेंटो करके मूवी, उसकी
मेन एक्ट्रेस, और ये है एक एनीमे वन पीस का मंकी डी लूफी। दिख रहा है ना गाइस, पता चला मैंने इतना सब कर दिया और दिखाई नहीं किसी को भी। ओके, तो ये एक्चुअली एक डूडल आर्ट है, इसमें छोटे छोटे चीज़ों से एक बड़ा आर्ट बनता है। तो फिलहाल मैंने इतने छोटे छोटे चीज़ें ड्रॉ की है, लेकिन कलर अभी तक दो में ही किया है। कलर कर दूंगा ना तो गाइस ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। और ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना, वो मेरे फ्रेंड्स का है, फ्रेंड ने बनाया। लेकिन नीचे का जितना आपको ऐसे थोड़ा मोटा मोटा लिख रहा है ना, ये यहाँ तक, यहाँ तक मैंने बनाया, ऊपर का मेरे फ्रेंड ने बनाया। तो खैर वो एनीमे फ़ैन है, वो बहुत बड़ा एनीमे फ़ैन है, उसने सारे एनीमे देखे हैं। और ये इस पे नो जज, क्योंकि ये मैंने बॉल पेन से ट्राई किया था, मैसी, बहुत थोड़ा थोड़ा मैसी जैसा दिख रहा है, लेकिन मेरे को तो ड्रैकुला ही लग रहा है पूरा, ये फालतू बन गया था। और को और नहीं है मेरे ख्याल से, और इसमें है और अभी बन रहे हैं। ये तो खैर स्कूल का था जो मैंने अच्छे से किया भी नहीं, 5 मिनट लगा के किया था। तो ये हो गई हमारी ये, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बड़े बड़े, नहीं नहीं अभी भी हमारी छोटी वाली है, ये शायद सबसे पुरानी होगी। हाँ ये सबसे पुरानी थी मेरी, ये 6th वाले से भी पुरानी थी, जो फर्स्ट में दिखाया ना तभी मैं ऐसा करता था। ये माइनक्राफ्ट का मेरे को उस समय चस्का लगा था, ये माइनक्राफ्ट। और ये एक प्रोजेक्ट था सेव अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग करके, मैं प्रोजेक्ट्स भी बहुत बनाए हूँ अपने ड्राइंग बुक पे। और ये हमें आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट करके कुछ प्रोजेक्ट था स्कूल का मैथ्स में, हमें शेप से कुछ बनाना था। और ये आप लोग को पता है क्या, ऊह करके कोई बियर रहता था ना, ये शायद आपने इसका कार्टून देखा होगा, मैंने इसको बस ऐसे ही दीदी के साथ ड्रॉ किया था, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। बंदर, बंदर हमारे स्कूल में पहले फास्ट टैग होता था, तो उसमें एक्चुअली हम लोग को एक बुक दी जाती थी जिसमें बहुत सारे एनिमल और कुछ कुछ पढ़ाई के रिलेटेड रहता था। तो मैंने उसी बुक से बस एनिमल ड्रॉ किए हैं इसमें, और वो भी अच्छे नहीं है तो वो मैं दिखाने नहीं चाहता। तो अब हम लोग बढ़ते अपने सबसे पहले बड़े बुक पे। ओके, तो यही है जो है, यही एक लास्ट और सबसे अच्छा है मेरे ख्याल से। तो पहले सेपरेट पेंटिंग्स दिखा देते हैं। ये डेडपूल बनाया था मैंने, ये भी बहुत पुराना है, ये 6th का है, ठीक है, इसको उतना अच्छा बना नहीं है। और ये लेकिन मेरे को लगता है मैंने अच्छा किया है, ये एक्रेलिक पेंटिंग है, आप लोगों को फ्लावर दिख रहा होगा, ये एक्रेलिक कलर्स से किया था मैंने, मेरे चाचू ने मेरे को गिफ्ट दिया था एक्रेलिक कलर्स, मैंने उसको पहली बार इसी पे यूज़ किया था। मेरे पास एक कैनवास बोर्ड भी पड़ा है, लेकिन मैं अभी उस पर ड्राइंग नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अभी उतना प्रो हुआ नहीं हूँ इसीलिए बस। और ये है, ये तो उतना खास है नहीं, पहले आपको ये दिखाते हैं। ये एक बैटमैन है, ठीक है, वो भी गंदा बन गया था, वो भी मैंने 6th का ही है, ये तो 6th का नहीं है, वो 5th का है। ये एक सुपरमैन है, ये भी 5th का है, बाकी तो ये एक दुर्गा माँ का मैंने बनाया था, ये भी एक प्रोजेक्ट था, हिंदी में दुर्गा माँ के दुर्गा पूजा के बारे में लिखना था और उसकी फ़ोटो लगानी थी, मेरे पास फ़ोटो नहीं थी तो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की, ठीक ही बना। और ये 5th का था, ये दुर्गा माता मैंने 5th में बनाई थी अकॉर्डिंग टू डैट। और ये मैंने फ्लैश बनाने की कोशिश की थी, ये भी मैंने 6th में ही की थी, लेकिन ये पूरा नहीं किया मैंने। और ये बाकी, ये तो लॉकडाउन का है, लॉकडाउन में मैंने कोरोना के लिए सैनिटाइज़र, मास्क, कोरोना, ये देखो ये स्लोगन भी लिखा, यूज़ मास्क एंड सैनिटाइजर टू प्रिवेंट COVID-19। और ये कब किया है, इस पर डेट भी लिखा है, 23rd, 4 क्या है, 4 क्या है, अप्रैल, 23rd अप्रैल 2021 का ये। और ये कैप्टन अमेरिका है, छोटे से है, मैंने बहुत बहुत पहले का है, अभी उतना ही पहले का है। और ये मैंने सॉफ्ट पेस्टल लाया था, तो मैंने ये कैप्टन अमेरिका बहुत पहले बनाया था, उसको बस कलर कर दिया था। ये उतना खास नहीं है मैं जानता हूँ, खास वाले तो अभी आने वाले हैं, खास वालों को देख के आप लोग खुश हो जाओगे बस। ये मैंने जोकर बनाने की कोशिश की थी, ये सच्ची जोकर लग रहा है, मतलब वो हंसने वाला, हाँ रियल वाला तो भाई वो मेरे से बनाए, बैटमैन का विलन है ना वो जोकर बनाने वाला था, लेकिन ये सर्कस का रिटायर्ड जोकर लग रहा है, बात अलग है वो। और ये है, ये थोड़ा ख़राब हो गया, ये देख रहे हो आप, नहीं ये वेनम था लेकिन ख़राब हो गया, तो इसका तो क्या ही दिखाऊँ मैं।
और ये स्पाइडरमैन इन स्पाइडर वर्स का है ना हीरो ब्लैक वाला, उसको मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की। ड्रॉ अच्छा हुआ लेकिन मैंने गलती से इस पर सॉफ्ट पेस्टल यूज़ कर लिया, और इस पर सॉफ्ट पेस्टल यूज़ नहीं करना था हमें, इसलिए इतना गंदा हो गया ये, पर मैंने छोड़ दिया आधे में। हाँ अब तो KGF का चस्का मेरे को भी लगा था, मैंने 1 ही देखी थी तब, तो ये KGF 1 का रॉकी है, मतलब ये पोस्टर KGF 2 का है लेकिन ये KGF 1 वाला रॉकी है। उतना खास नहीं है मेरे को पता है, पर मैंने ये पहली बार कोई रियल फोटो देख के बनाया था। और ये पुष्पा आधा ही रोक रखा है मैंने, और ये मैं कंटिन्यू करूँगा मैंने। अब आ जाते हैं हमारे कुछ लेजेंड पेंटिंग या ड्राइंग्स जो भी बोला। ये है शिवाजी महाराज का एक पेंटिंग, और ये है गणेश जी की एक पेंटिंग। बस तो अभी के लिए तो हमारी आर्ट जर्नी इधर तक की हुई है, मतलब इससे आगे हुई है लेकिन वो उतना आगे नहीं हुई है अभी तक। अभी मैं आपको एक और चीज़ है वो भी दिखा देता हूँ, थोड़े बहुत इस साल के ही मैंने ट्राई किए हैं। ये एकदम रिसेंट दिखाऊंगा मैं आपको, स्कूल का तो खैर मैं नहीं दिखाता क्योंकि वो एक स्कूल की थी मैंने बनाई थी, वो नहीं दिखा रहा हूँ। ये एक और मेरे घर की बड़ी नोटबुक है, ये नई है, इसमें मैंने अभी 3 ही पेज यूज़ किए हैं, और 3 पेज भी ठीक ही है, इनमें से मैंने बस एक ही कंप्लीट 3 पेज यूज़ किए, 3 ड्राइंग किए लेकिन एक ही कंप्लीट किए। तो ये अक्षय कुमार है, थोड़ा लग रहा होगा अक्षय कुमार जैसा, नहीं भी लग रहा होगा तो क्या है, खैर हुआ उतना अच्छा नहीं हुआ। और ये है गोकू का दोस्त वेजिटा, जो एनीमे देखते हैं प्लीज़ बता देना इसका क्या रोल है। मैं एनीमे देखता नहीं लेकिन मेरे एनीमे वाले फ्रेंड ने बोला कि चलो ये बनाते, तो हम दोनों साथ में ही थे तो हम लोग ने बना लिया। और ये कांतारा मूवी जिसने देखी होगी उन्हें पता होगा, कांतारा का विलन या बोलो कुछ देव है, उनका मैंने ट्राई किया है, मतलब अभी पूरा नहीं किया है, इसको आधे पे ही छोड़ रखा है, अभी तो सिर्फ आउटलाइन ही बनाया है। तो बस इतनी थी मेरी आर्ट जर्नी। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस पर 10 लाइक्स करने के बाद मैं आप लोग को अपने आर्ट मटेरियल्स की भी वीडियो लाऊंगा, तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना, और प्लीज़ ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब भी कर देना इफ़ यू वांट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये मेरा फर्स्ट ऐसा वीडियो था।